आज हम बनाने जा रहे हैं बनलेस बर्गर्स जो बहुत अरसे से हमारे पेंडिंग थे। तो फाइनली आई गॉट टाइम। वी आर स्टार्टिंग विद ऑफ विद आर मीट बॉल्स। ये व्हील मेंस है विद 70-30 रेशो। 70% मीट एंड 30% इसमें मटन फैट है और डबल मिन्स्ड है। उसके साथ हमने बनलेस बर्गर्स के लिए आप कोई भी बीच में फिलिंग के लिए बलोनीज ले सकते हैं, पेस्ट्रामीज ले सकते हैं। हम आज यूज़ कर रहे हैं पेस्ट्रामी स्ट्रिप्स और साथ पेपरोनीज। साथ ही हमने अनियंस लिए हुए हैं, स्लाइस्ड अनियंस हैं ये। अभी हम थोड़ी देर में इनको सौते कर लेंगे और ग्रिल कर लेंगे। साथ मशरूम्स हैं स्लाइस्ड, ये भी कर लेंगे। और साथ हमारे पास एलपिनोज और पिकल्ड क्यूकम्बर्स हैं। ये आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी होममेड सॉस है फॉर बर्गर्स। ये मेयोनीज के साथ पेरी पेरी चिलीज है और साथ गर्किन्स हैं जो इसमें इन्फ्यूज़ करके ब्लेंड किए हुए हैं। स्टार्टिंग विद मैरिनेशन ऑफ आर पैटीज। सिंपल सी मैरिनेशन है, आपने इसमें सॉल्ट डालना है हसबे जायका, आपकी अपनी चॉइस है, जितना मर्जी सॉल्ट यूज़ कर लें आप सॉल्ट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने ग्राउंड, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर यूज़ करनी है, ये आपने इस पर लगा लेनी है। ये भी आप अच्छी खासी कह लें फ्री हैंड लेके आपने इसको लगाना है। नमक भी और काली मिर्च भी, कंजूसी से नहीं, ताकि ये सारी चारों साइडों से कोट हो जाए। और गार्लिक पाउडर, ये कोई भी आप कमर्शली अवेलेबल गार्लिक पाउडर लेके और उसको भी आप ऊपर स्प्रिंकल कर लें एक साइड पे और फिर इसी तरह दूसरी साइड पे। इसी तरह आप अपनी सारी पैटीज को मैरिनेट कर लेंगे। ये अब हमारी मैरिनेट हो गई है। साथ हमने अपना पैन जो है उसके को हमने हीट कर दिया है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसे इतना हॉट कर लें कि इस पे से फ्लेम्स निकलने, धुआं निकलने लगे। अब आपने अपने पैटीज इसमें ऐसे रख देने हैं। और उसके बाद रखने के बाद आपने इसे स्मैश करना है। ये स्मैश टेक्निक है, आपने ऐसे रख के और इसे अच्छे से दबा देना। जितना आप दबा सकते हैं उतनी रोसे से दबा लें और फिर छोड़ देंगे। इसी तरह आप बाकियों को भी स्मैश कर देंगे। ये अब हमने टू मिनट तकरीबन एक साइड पे करके अब हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर और चाहेंगे। और फ्लिप करने के बाद आपने इस पे चीज़, चेडर चीज़, आपको जो चीज़ पसंद हो, मुझे वाइट चेडर पसंद है, आपने हर स्लाइस, हर पैटी के ऊपर एक एक चीज़ स्लाइस रख देना है और इट टू मेल्ट। और आपने 2-3 मिनट दूसरी साइड पे भी कर लेना है एंड देन योर पैटीज वुड बी ऑल डन। ये अब हमारी पैटीज रेडी हैं और ऊपर चीज भी देखें परफेक्टली मेल्ट हो गई है। यू कैन सी द लुक। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे, इन्हें एलुमिनियम फॉइल से निकालें ताकि इसके जूसेस लॉक्ड इन ही रहें और आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसी तरह हम अपने दूसरे साइड के पैटीज भी कर लेंगे और साथ हम नेक्स्ट काम अब जो करने लगे हैं वो हम ये करने लगे हैं कि अपने अनियंस और मशरूम्स को सौते करने लगे हैं। अब ये हम दूसरे पैन में ऑयल गर्म होने रख रहे हैं अपने मशरूम्स और में सौते करने के लिए, और बाकी अपनी दूसरी पैटीज को हम जो ऊपर आएंगी बनलेस बर्गर में उन्हें भी साथ साथ हम अपने स्मैश करने लगे हैं। ये आपने रखा और साथ ही स्मैश। तो
this is the quickest and smartest way to make these patties. Time भी less कम लगता है और आपकी patties भी बेहतरीन तैयार हो जाती हैं। अब आपने इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए रख देना है और दूसरी साइड पे अब हम पहले मशरूम्स डालेंगे क्योंकि मशरूम्स टेक मोर टाइम टू कुक। मशरूम को थोड़ा सा ब्राउनिंग करके हम वापस निकाल लेंगे, फिर हम अपने अनियन डालेंगे और उन्हें करेंगे। अब हमारे 2 मिनट्स हो गए हैं, हम अपनी पैटीज फ्लिप कर रहे हैं। इसके 4 इंच कितनी अच्छी है और ये दिस वुड बी द जूसीएस्ट पैटीज यू वुड ट्राई। बस आपका मेल्स अच्छा होना चाहिए, स्मेली ना हो और फैट कंटेंट आपका 30%। और ये साथ ही हमने अपने अनियन को ग्रिल होने रख दिया है हल्के से ऑयल में, और जब ये ग्रिल हो जाएंगे तो इसमें हम ब्राउन शुगर एंड पे थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे तो कैरमलाइज है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये अब हमारे आप देखें अनियन थोड़े से ब्राउन हो गए, अब इस पर आप 1 टीस्पून के अराउंड ब्राउन शुगर यूज़ करें और स्प्रिंकल कर दीजिए बस, और इसको उसके बाद आपने फटाफट सौते कर देना है और आपकी पैटीज भी इतनी देर में तैयार हो जाएंगी जितनी देर में इनकी कैरमलाइजेशन कंप्लीट होगी। इसे यहाँ छोड़ के हम अपनी पैटीज अब तक उतार लेंगे क्योंकि हमारी पैटीज आ जाएगी इनको टू गो। और ये हमने इसी में जहाँ हमने सौते किया है अनियंस को कैरमलाइज होने के लिए, साथ ही जो हमने पहले ग्रिल की हुई थी मशरूम्स वो वापस डाल देंगे और इसको साथ इसके थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और ये आपके रेडी हो गया है, अब इसे भी ऑफ फ्लेम कर लें, इसे भी ऑफ फ्लेम कर लें और अब हम आपको असेंबली दिखाएंगे कि आपने कैसे ये बर्गर असेंबल कर लें। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, सबसे पहले हम चीज़ के ऊपर रख देंगे अपनी पेस्ट्रामी स्ट्रिप्स, उसके ऊपर ये हम अपने गर्मा गर्म मशरूम्स और कैरमलाइज्ड अनियंस, ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मुझे क्योंकि बहुत पसंद है इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा ही रख रहा हूँ। ये रखें, इसके ऊपर आप अपने पेपरोनीज रखिए और फिर क्यूकम्बर्स, पिकल क्यूकम्बर्स और एलेपिनोज, मुझे एलेपिनोज नहीं पसंद तो बस एक ऑन टॉप, और फिर इसके ऊपर हम अपनी होममेड सॉस ड्रिजल कर देंगे। सॉस भी कम ज़्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं, आई लाइक इट सॉसी तो मैं थोड़ा सा सॉस ज़्यादा रखूँगा। एंड देन ऑन टॉप आप अपना पैटी ऐसे सजाएंगे एंड देयर यू हैव इट, अ बनलेस ब्यूटी ऑल रेडी फॉर यू टू डेवलप। हमारे जी ऑल 3 बर्गर्स आर रेडी एंड गुड टू गो, अब आप इन्हें देख ही सकते हैं, हम इंजॉय करने जा रहे हैं। बाय बाय।